अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और आपका ध्यान यहां पर चले जाए कि इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं निकाल सकता हूं, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो कोई लिमिट है? इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। खच्चरों की रेस से बिल्कुल अलग, मतलब करोड़ों खच्चर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आप बिल्कुल ही अलग हो, आप उस रेस में हो ही नहीं, यू आर आउट ऑफ दैट रेस। मतलब क्या आपने प्रॉब्लम फेस करी आपके स्कूल में, जो अब ये यहीं से आइडिया आया है, देखो अभी आया है, ऐसे सोचते हैं आइडिया के लिए, ये नहीं है कि हमको जाकर के इंटरनेट पर ढूंढना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है और उस आइडिया को यहां पर कॉपी करें, ऐसे लोग सोचते हैं, या फिर कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको देखना होता है मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, अरे मेरा जो स्कूल था उसके अंदर जो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही गंदे थे। जेन्युइन प्रॉब्लम है या ये जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन प्रॉब्लम है। मान लो आप एक फीमेल हो और आप कहते हो कि मैं वहां पर जब जाती थी तो पूरी सीट वीट सब गंदी पड़ी होती थी स्कूल में, उसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते थे कई तरह के, फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोचो, बट कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको टीचर और प्रोफेसर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सबको लगता है वही काम अच्छा है, ये टॉयलेट साफ करने का भी काम कोई काम होता है, ऐसी दिमाग चलता है ना। ये फोटोग्राफी का काम भी कोई काम होता है, फोटोग्राफर बनके क्या करेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा क्या? बट ये फोटोग्राफर ही आपके सामने बैठा हुआ है। तो अब इसको ध्यान से समझना, आपके अंदर से आया कि मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी है और मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। बींग अ फीमेल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जहां भी जाती हूं इंडिया में हर जगह टॉयलेट्स गंदे पड़े हैं, स्कूल्स में गंदे हैं, कॉलेजेस में गंदे हैं, पब्लिक प्ले, सब जगह बुरा हाल है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो क्या मैं कोई ऐसी मशीन बना सकती हूं, हाँ, या बाहर कहीं कोई ऐसी मशीन हो उसको मैं ढूंढ सकती हूं, मान लो चाइना में ऑलरेडी है जो इंडिया में नहीं है, वहां से क्या मैं इंपोर्ट कर सकती हूं? ये इंपोर्ट सुनने में बड़ा बड़ा लगता है लेकिन आज के डेट में कुछ भी नहीं है। आपको अगर चाहिए तो वहां से 10 पीस अभी मंगा सकते हो। मतलब अगर 2000 रुपए की एक मशीन है तो 20,000 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो गया है। और क्या ये मशीन जा करके मैं सेल कर सकती हूं स्कूल्स में कॉलेजेस में और उनको ट्रेन कर सकती हूं वहां पर जो लोग काम करते हैं? कितना छोटा सा आइडिया है, सुनने में छोटा लग रहा है, यहां से आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। यू कैन बिकम अ मल्टी मिलियनेयर। जो प्रोफेसर बनके आप पूरी जिंदगी में कमाने का सोच रहे हो, यहां से एक महीने में इधर उधर कर सकते हो, ऐसे सोचा जाता है। समझ गए? इसको बोलते हैं एक्चुअल इंस्पिरेशन। ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ अजीब सा आ रहा है करने का और मैं वो कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। ना, एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपको समझ में आई, वो प्रॉब्लम जो आपने एक्सपीरियंस करी। अब आप समझ गए, अब आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्ट कर रहे हो, सो दिस इज राइट एक्शन। ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस ही नहीं करी लाइफ में और आप कह रहे हो कि मैं पैसा कमाने के लिए, मुझे संदीप महेश्वरी का मैंने सेशन देखा मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप समझ रहे हो ना इंस्पायर्ड में और नॉन इंस्पायर्ड में क्या फर्क है? कि संदीप महेश्वरी का मेरे को आइडिया बड़ा बढ़िया लग रहा है, टॉयलेट में ना ये सप्लाई करो तो मैं क्या करूंगा, चाइना से मशीन मंगवाऊंगा और फिर बेचूंगा। आप जब जाओगे ना उन स्कूल्स में बात करने के लिए, कोई आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा, अगर घुसने भी दिया आपको बुला करके बोलेंगे हाँ भाई बताओ क्या करना चाहते हो, तो आपसे बात करेंगे और चल भाग यहां से, तेरे ऐसे बहुत आते हैं सुबह से रात तक यहां पे पैसा कमाने के लिए। बट इफ यू आर इंस्पायर्ड, क्योंकि आप एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हो विच यू स्ट्रांगली बिलीव इन, चाहे वो बिलीव नहीं करते हैं। हो सकता है वो जो सामने बंदे बैठे हैं, जो मैनेजमेंट बैठा है स्कूल का, वो बिलीव नहीं करता है, वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, टॉयलेट साफ हो तो रहा है, क्या जरूरत है इस मशीन की हमको। बट यू बिलीव इन दैट, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलोगे वहां पर। मैम वट एवर आई एम सेइंग इट्स ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, आई फेस्ड इट, मुझे पता है मैं इसको बेटर कर सकती हूं। आप ऐसा करो फ्री ट्रायल ले लो, लेट मी डू इट, जस्ट सी इट फॉर फ्यू डेज। अगर आपको लगता है कि सही है तो आपके स्कूल में मान लो 10 टॉयलेट्स है तो आप 10 के लिए ले लेना, 10 मशीन का ऑर्डर मुझे बाद में देना, पैसे मुझे बाद में देना, अभी ये एक मशीन मैं यहां पर दे रही हूं और फ्री में उनको ट्रेन कर रही हूं। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्टूडेंट्स। फिर भी आपको लेनी है लो मशीन, नहीं लेनी तो भाड़ में जाओ, ऐसा मन में बोलोगे, उनको नहीं बोलोगे लेकिन धक्के देके बाहर निकालेंगे। समझ गए? ये क्या है? किलर एटीट्यूड है। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता। कि मैं ये जो आपको दे रहा हूं या जो मैं आपको ऑफर कर रही हूं ये आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आपके जैसे हजारों स्कूल्स और हैं, हजारों कॉलेजेस और हैं, आप नहीं लोगे तो और कोई लेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता इसमें आगे बढ़ने से, मुझे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है। आज नहीं तो कल आप खुद चल करके मेरे पास में आओगे ही आओगे, जब आप देखोगे और स्कूल्स में और बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है।
कि जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ना कम हो जाएंगे, उनकी छुट्टियां होनी कम हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? उसकी वजह से आपके जो स्कूल है उसकी ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव होगी, दिस इज व्हाट दे वांट। उनकी हेल्थ अच्छी होगी। इसमें आपका जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं है। सपोजिंगली आपने 2000 की वो मशीन बाहर से मंगवाई है, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, 5000 रुपए की मशीन है, उस स्कूल के लिए क्या है? 5000 रुपए तो फीस है आज की डेट में स्कूल की, समझ गए? तो एक स्कूल में अगर आपने 5000 की 10 मशीन भी दी तो 50000 रुपए आपके पास में एक स्कूल से आया। इंडिया के अंदर हजारों स्कूल्स हैं और हजारों कॉलेजेस हैं, लाओ दिमाग कितना कमा सकते हो। ऐसे सोचते हैं, बट ये कब कमा पाओगे? ये नहीं कि मेरी वीडियो को देखा और कमाने निकल गए, बाहर कर देंगे खच्चरों को। कौन लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं? वो जो अंदर से इंस्पायर्ड है, जो चार्ज्ड है। समझ पा रहे हो? सपोजिंगली आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपके सामने कोई ऐसी कोई पर्सन बैठी हुई है हु स्ट्रांगली बिलीव इन इट, तो आपका जो बिलीफ है, आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट बिकम्स इन्फेक्शियस। वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा प्रिंसिपल, वो नहीं बिलीव करता है उसके अंदर, बट आपकी एनर्जी देख करके वो एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी।